नमस्कार, मैं सलोनी नांदी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। नागपुर से भू माफिया यानी जमीन के सिलसिले में माफिया गिरी करने का मामला सामने आया है। पवार समाज एकता मंच उत्तर नागपुर अध्यक्ष प्रकाश पटले ने कहा कि उन्हें उनकी समाज कार्यों के लिए डॉक्टर नितिन राउत द्वारा 15 मई 2023 को एक लेटर दिया गया था। उस लेटर के हिसाब से NIT द्वारा पवार समाज को जमीन एवं फंड का आवंटन किया गया था, लेकिन कुछ भू माफिया अपने फायदे के लिए उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उन्होंने और भी क्या कहा इस मामले में, आइए जानते हैं। सभी को मैं जय राजा भोज। मैं पवार समाज एकता मंच उत्तर नागपुर अध्यक्ष प्रकाश पटले आपको इस न्यूज के माध्यम से बताना चाहूँगा कि डॉक्टर नितिन राउत द्वारा 15 मई 2023 को उनके लेटर के हिसाब से NIT द्वारा हमें जमीन एवं फंड का साहब ने हमें दिया, समाज भवन के लिए दिया, लाइब्रेरी के लिए दिया, बट उस पर कुछ भू माफिया है जो आज राउत साहब का नाम खराब कर कुछ लोग पार्टी बेस पे ला करके समाज के कुछ लोग है, जो दो चार लोग है जिनको साथ में लेकर के वो लोग भू माफिया का काम कर रहे हैं, जिसपे पेपर एड भी गलत, पेपर एड के खसरा नंबर पे गलत फंड लाने का आरोप है, और वो लोग इस टाइप से हरकतें करके कहीं ना कहीं भू माफिया वो लोग सिर्फ ये करते हैं कि गलत खसरा बताकर लोगों को गुमराह करके, समाज को गुमराह करके अपनी बड़ी मंजिलों को वो लोग अपना मकसद बनाते हैं। ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि समाज दूर रहे, और समाज में जो जिस टाइप का नफरत फैलाना काम कर रहे हैं, हमारे पास सभी प्रकार का ये है, हमारे पास सभी प्रकार का प्रूफ है कि हमें फंड भी राव साहब द्वारा मिला गया, हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है। जो भू माफिया है समाज को गलत दिशा में ले जा करके वो लोग अपना एक षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं।